सब ठीक है तुम्हारे, सब लोग ठीक हो। एक बात कहना था तुमसे, कौन सी बात है? नाराज तो नहीं हो गई? अरे क्या क्या, कोई ऐसी बात मत करना जिसमें नाराज। भगवान झूठ न बनाए, हम ऐसी कोई बात करेंगे ही नहीं कि जो तुमको बुरा लगे। तो सुनो साथ में मेरे चलो, साथ में मेरे चलो और साहब तुम्हें बुला क्या क्या? ये आदमी सोच गलत है।
सोच गलत है। जनजात वो इसलिए तारे पीछे रख मुर्दा तो पीछे रखो इशारा कर। बात इसमें है कि अगर वो ये बात है तो मेरी जगह पर अपनी बहन बेटी को ले जाओ, अपनी बहन बेटी को ले जाओ। अरे चंदा भैया कोई खास बात है, कोई बात गलत निगाह थोड़ी है। ये किया हाय दोस्तों नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई मिस्टर गोविंदा कॉमेडियन पंपापुर सुपर हिट नौटंकी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। और जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन ही विनती है, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों ना भूलें। जो भी हम नई से नई वीडियो बनाएं आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुक्त। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम ममोली चौराहा पोस्ट गढ़ी समदाबाद निकट मानिकपुर जिला प्रतापगढ़, तो दोस्तों वहीं पे हमारा प्रोग्राम लगा हुआ था, वहाँ प्रोग्राम हमारा संपन्न हुआ, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने वहाँ नया खेला खेला है, तो खेल का नाम आप लोग नोट कीजिए, खेल हमने लोगों ने वहाँ खेला है दोस्ती और दुश्मनी, वफादार कातिल डाकू रुपेश सिंह। तो दोस्तों ये खेल हम लोगों ने वहाँ खेला है और हमारा खेल बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर हुआ दोस्तों, और इसकी हमने कुछ वीडियो भी बना ली है, वीडियो के माध्यम से आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो न बढ़ाते हुए अब आपको ले चलते हैं प्रोग्राम की जानकारी को। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज इसमें हो गई 6 तारीख ग्यारहवा महीना सन 2023, 6 नवंबर सन 2023 को पंपापुर सुपर हिट नौटंकी प्रोग्राम दोस्तों कहीं नहीं है और हम लोग छुट्टी पे हैं, और आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना कि 7 तारीख को पंपापुर सुपर हिट नौटंकी प्रोग्राम कहाँ और किस जिले में लगा हुआ है आपको हम बहुत जल्द बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।